नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। आज के इस अपडेट में मैं फिर आपको मोहन रोड योजना का अपडेट दूंगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई मोहन रोड योजना जो आ रही है उसमें प्लॉट का रेट क्या हो सकता है, क्या रेट होने वाला है, कि वहां पर जो प्लॉट मिलेंगे उनका रेट क्या होगा। तो देखिए, जो LDA की तरफ से नया अपडेट निकल के आ रहा है वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फिट रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट होने वाले हैं। जो नॉर्मल प्लॉट होंगे उनके 4,000 रुपये स्क्वायर फिट की आसपास रेट हो सकती है, और जो कमर्शियल प्लॉट होंगे उनका रेट हो सकता है 8,000 रुपये स्क्वायर फिट। दोनों चीज़ें मैं फिर से बता देता हूँ, रेजिडेंशियल प्लॉट, आवासीय प्लॉट 4,000 रुपये स्क्वायर फिट, और कमर्शियल जो व्यावसायिक प्लॉट होंगे, व्यावसायिक भूखंड होंगे, वो 8,000 रुपये स्क्वायर फिट होंगे। यह अनुमानित लागत अभी बताई जा रही है, हो सकता है मेरे वीडियो अपलोड करने तक इसकी सही सही कीमत आ जाए। LDA ने मोहन रोड योजना जहां पर उनको अपनी शुरू करनी है वहां पर कब्जा लेने का काम LDA ने शुरू कर दिया है, और जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। लेआउट वगैरह फाइनल हो चुका है, और इस पर जो अपडेट आते रहेंगे वो सारे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 3,300 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से वहाँ पर रेट हो सकता है, तो रेट अभी बढ़ने की बात आई है, क्योंकि जो ग्रीन कॉरिडोर बनना है, गोमती नदी पर ग्रीन कॉरिडोर का काम चल रहा है और आगे बनना है, उसकी जो लागत है वो भी मैक्सिमम लागत वहाँ से निकाली जाएगी, क्योंकि वहाँ से शहर की कनेक्टिविटी अच्छी करनी है और काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि एजुकेशन सिटी भी वहाँ पर बसाई जा रही है और वहाँ से लोगों का काफ़ी आवागमन शहर की तरफ रहेगा। तो जो ग्रीन कॉरिडोर बनना है उसका भी खर्चा अधिक से अधिक मोहन रोड योजना से निकालना है। वहाँ पर अभी कब्जा लेने का काम LDA ने शुरू कर दिया है, कुछ प्राइवेट बिल्डरों ने, डेवलपरों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीद रखी थी, जिनसे अभी कब्जे को लेकर के विवाद चल रहा है, लेकिन यह जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगा, और उम्मीद की जाती है कि जुलाई के लास्ट वीक तक वहां पर पंजीकरण खोल दिए जाएंगे, आप अपना पंजीकरण करा सकेंगे। तो जब पंजीकरण खोले जाएंगे, और पंजीकरण कैसे करना है, किन किन दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या खर्च लगेगा, वह सब मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, अपडेट सारा दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल के साथ बने रहें, सारे अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।